और हम कोटमा से ना इतने ही लोग हैं और बाकी लोग कोई नहीं पीछे और अभी तो बहुत हल्ला हो रहा है साथ में जी भी बैठे हुए। तो हम लोग माता रानी के मंदिर में पहुंच चुके हैं जहां पे सिद्धपीठ काली मठ का काली माया का मंदिर और काली मठ का जो मंदिर है यहाँ ये सरस्वती नदी के। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत। आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ों से मेरे YouTube चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 10 बजे हैं और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है और आज ना काफी अच्छी धूप खिली हुई है, काफी सुहावना मौसम है। तो अभी तो फिलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग जा रहे हैं कीर्तन में। तो कीर्तन में हम लोग कहाँ जा रहे हैं तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहे, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो गाँव के सभी लोग जा रहे हैं, चांसुगढ़ वाले जा रहे हैं, कोटमा वाले जा रहे हैं, मजेरा वाले जा रहे हैं, तो सभी महिलाएं जा रही हैं, तो मैं भी उन लोगों के साथ जा रही हूँ। तो अब तो फाइनली मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और आज मैंने ना कोटमा वालों के कीर्तन की साड़ी पहनी हुई है। तो चलिए जी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और ये मेरा सामान भी तैयार हो गया है और दीदी तो नहीं आ रही है तो मैं निकल पड़ती हूँ। अब मैंने अनीता के घर पे जाना है, पहले अनीता तैयार हुई है या नहीं। तो चलिए, तो फाइनली मैं अनीता के घर पे आ रखी हूँ और अनीता भी तैयार हो गई है, अब हम जाते हैं। हाय हेलो, हाय हाय। हम लोगों ने कोटमा स्टेशन क्रॉस कर लिया है और यहाँ हमको ना कोई नहीं मिल रहा है। कोटमा वाले पता नहीं चले गए हैं या नहीं गए, हम दोनों छूट गए हम दोनों छूट गए हैं अब। और अब हम लोगों को दोनों को ना पैदल जाना पड़ेगा। अगर गाड़ी मिलेगी तो गाड़ी से जाएंगे, नहीं मिलेगी तो पैदल जाएंगे। तो एक बार फोन कर लेते हैं और बाकी लोग तो हमें यहाँ पे रुके हुए हैं। जी प्रणाम, जी प्रणाम, जी प्रणाम। आदमी कोट में साड़ी सब साड़ी पहनी था। और हम कोटमा से ना इतने ही लोग हैं और बाकी लोग कोई नहीं आए और इतने 4, 5, 6, 7 लोग हैं हम लोग। तो हम अभी पैदल ही जा रहे हैं, फिलहाल तो कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। और हमारे साथ 3 जी थोड़ा बुजुर्ग हैं तो यहाँ पे लट्ठी तोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोगों को तो गाड़ी मिली नहीं, तो ये पैदल जाने के लिए एक डंडी का सहारा लेंगे। हाँ लट्ठी भी तोड़ दी तो अभी हम लोग कोटमा से 1 किलोमीटर की दूरी पे आ चुके हैं और हम लोग अभी पैदल ही जा रहे हैं और हम लोग तो इतने ही हैं। और हम लोग पहुंच चुके हैं कबिल्ठा गांव में। और ये जो हमारे सारे जी लोग थे तो इनके लिए तो गाड़ी मिल चुकी है और इन्होंने हमें धोखा दे दिया भाई। ये लोग तो बैठ चुके हैं कार में और हम बाकी लोग तो फाइनली हमको ये वाली गाड़ी मिल गई है। इन्होंने हमें लिफ्ट दे दी है क्योंकि ये लोग तो खोनू के हैं, इसी में जाएंगे हम। पीछे
और अभी तो बहुत हल्ला हो रहा है, साथ में जी भी बैठे हुए और सबसे पीछे बैठे हैं। क्या हो गया है निशान? चलिए काली मठ में चलते हैं। हेलो, हमारे को गाड़ी भी मिल गई। इस समय हम पहले पैदल जा रहे थे, धूप हो रही थी, लेकिन माता रानी हमारे को लेने आ गई, हमारे को गाड़ी मिल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो माता रानी की, जय हो हरियाणा। मैं तो गोदी में बैठी हूँ अनीता की, और यहाँ पे जी की गोदी में। तो फाइनली हम लोग कालीमठ मंदिर में पहुँच चुके हैं, और उन्होंने लिफ्ट दी को जल्दी से पहुँच गए, नहीं तो एक दो घंटे लग जाते हम लोगों को वहाँ से आने में। तो आज ना यहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है, आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो हम लोगों का भी कीर्तन था, तो उस वजह से आ रखे हैं हम लोग, है ना। कीर्तन करेंगे हम। हाँ, कीर्तन करेंगे हम। तो हम लोग माता रानी के मंदिर में पहुंच चुके हैं, जहाँ पे सिद्धपीठ काली मठ का, काली मैया का मंदिर है, यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों का कीर्तन है, और यहाँ से आज मेरे गांव वाले भी आ रखे हैं। सियासगढ़ से दीदी आ रही है, और मैं कोटमा से आ रही हूँ, और सियासगढ़ वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे तो हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, और यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और माता रानी के साथ तो माता रानी सरस्वती और लक्ष्मी का मंदिर भी है, तो वो वहाँ पे हैं। अब जा रहे हैं, और यहाँ पे है हमारे नंदी महाराज जी। जय हो नंदी महाराज जी। और यहाँ से हम इधर आगे को जाएंगे, तो आगे को यहाँ पे है गौरी शंकर का मंदिर। ये है गौरी शंकर का मंदिर, और यहाँ पे है महा सरस्वती का मंदिर, और काली मठ का जो मंदिर है यहाँ, ये सरस्वती नदी के तट पे बसा हुआ है, काफी खूबसूरत लोकेशन पे है। और यहाँ सामने पे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे नहा रहे हैं। चल चल, कीर्तन शुरू हो चुका है। और मंदिर से ऊपर जाने के लिए भैरवनाथ का मंदिर है, तो हम वहीं जा रहे हैं अभी। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन भी कर लिए हैं भैरव बाबा के, और अब हम नीचे मंदिर में जाएंगे, और जहाँ पर कीर्तन हो रहा शांतगढ़ वालों का, वहाँ पे जाएंगे। हाँ, तो उन बोले हम भी उड़ावा आंगनबाड़ी बंदी छे, नहीं तो माथी चल हमारे चल। लास्ट में कोट माँ के इतने बच्चे, बाकी सब घर चल गए, कोट माँ के साथ घर चल गए, चल गए। बस इतने ही बच्चे, इतने बच्चे, हम दो तीनों के, दोनों के दोनों। नीमा जी को लगी भूख जोर। और हम लोग ऐसे झाड़ी वाले रास्ते से आ रहे हैं, और हम लोगों को गाड़ी नहीं मिली, और यहाँ नीमा जी और अनिता की हो गई है हालत खराब, मेरी नहीं हुई।
और यहाँ नीचे बहुत सारी चीड़ के फल गिरे हुए यानी थंची गिरी हुई है, तो यहाँ ऐसी थंची गिरी रहती है, कोई उठाता ही नहीं है। वैसे इसको आग जलाने के लिए ले जाते हैं लेकिन कोई नहीं ले जा रहा है। नीमा जी ले जा नहीं रहे थे, हम बिकान ले जा रहे थे। और इसके अंदर बीज होते हैं, वो बीज खाने के लिए होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इस पे एक भी बीज नहीं है। ये ना बहुत पुरानी थेंची है तो शायद इसके बीज बिखर गए होंगे, तो इस पे अब नई पौधा आएगी। और जो हमारे कोटमा के नीचे नदी में पानी नहीं आता है वो ठीक यहाँ नीचे टनल से के अंदर से यहाँ पे आता है चट्टान से बाहर और यहाँ नीचे मिल जाता है। बाकी तो नदी, तो नदी का हाल तो सूखा हुआ है और नदी यहाँ है अंदर ही अंदर। तो फाइनली हम लोगों ने 3 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है और अब पहुँच गए हैं देवीधार में, यानी हम कोटमा 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, तो अब हम आराम से जा सकते हैं। अब कोई गाड़ी भी नहीं आएगी, तो 11 नंबर की गाड़ी में जा सकते हैं ना, अब तो आराम से जा सकते हैं अपने।